बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? और आज मरियम और जुगनू के लिए आया एक सरप्राइज़, और इन्हें नहीं पता मैंने स्कूल से लेने आई हूँ। और ये देखें जी, ये है जुगनू, अस्सलाम वालेकुम। और ये है जो, ये इंडियन है, और ये हमारी अपनी मसन सलाम दुआ वाले ही हैं। इसको मैं साथ ही लेके जाती हूँ। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, पता नहीं कोई खाने वाली चीज़ हो। अच्छा, खाने की तरफ ही ध्यान होता बस है। हाँ। और इसलिए देर लगी हमें आने के लिए। इसको बस इतना कह के जी कोई सरप्राइज है, और ये ऐसे हो गई चलाको मौसी, जैसे नहीं होता कोई याददाश्त चली जाती है उसकी। और ये जो बैग अब देखे लेके जा रही है ना, जो ये वाला बैग वहीं पे छोड़ा है स्कूल के बाहर गेट पे, और भागी भागी बस के मैं घर चली जाऊँ, है ना जो। अब वो देखे सबसे आगे जा रही है, वो समझ रही, पता नहीं कोई खाने वाली चीज मेरे लिए लेके आए। चलाको मासी, ये भी स्कूल की बस जा रही है जी। सबसे पहले हम ज्योत को छोड़ेंगे, फिर हम आएंगे वापस जी। जी चलते जाओ, चलते जाओ। ये है जी ज्योत का घर। चलो बेल दो। हेलो, चलो जाओ, चलो जाओ ध्यान से जी। वो चली गई लिफ्ट में घर, उसको छोड़ के उनका वो ऊपर वाली मेरे ख्याल से है मंजिल जी। ये हम माँ के हैं घर, मरियम की वजह से बहुत लेट हो गए। ये बस्ता जो छोड़ा है वहाँ पे, फिर दोबारा आ गई है वापस। और अब आंखें बंद करो, पहले मीसो आंखें बंद करो। जल्दी से दो। ये लफाफा पकड़ो, अब इसमें से देखो क्या है। गुची। क्या चीज है? पता नहीं गुची की क्या चीज है। आराम से, आराम से देखो। ये तो पेंट है मम्मा जी, थैंक यू। और देखते क्या है। पसंद आई है? हाँ। कलर सही है? हाँ, येलो। पॉपिट, ये जो मैं चाहती थी। देखो कैसे लगे। ये मुझसे काफी टाइम से मांग रही थी, पर मैंने नहीं लेके दे रही थी, तो फिर आज मैं बाजार गई तो फिर मैंने ये जुगनू के लिए लिया। पसंद आया? चलो। ये है जुराबे। ये देखो आपकी, ये मीसुम की और जुगनू की। ये लेके आई जी, इनकी जुराबे थी, दोनों बहन भाइयों की जुराबे लेके आई हूँ। पसंद आई? हाँ जी, इतनी सारी हैं और मुझे, और ये इसकी पोनी है, इतनी अच्छी लग रही है डॉल के साथ। काफी ज्यादा कलर है, पसंद आई है? पिंक है। हाँ जी मम्मा जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें कितना कुछ लेके देती, कितना कुछ खिलाती हैं। चलो आ देंगी मामा ने। ये मुझे कुछ इतना खास नहीं लगता, यहाँ पे बड़ा फेमस है, कोई तकरीबन 7-8 महीने से हर बच्चे के पास बहुत फेमस ही चीज़ है। मुझे तो कुछ खास इसमें नहीं है, ये यहाँ से दबाओ इधर से दबाओ तो बस यही है। खोल के देखें। आराम से ये एक रबर टाइप सी है ना, बिल्कुल। और ऐसे ये लें, यहाँ से दबाएं जी, यूं करें, ये बच्चे आप दिखाओ जरा ट्रेन, ये बड़ा प्यारा कलर सा लग रहा है ना। और ये अब चेक कर लेना, आपको साइज पता नहीं छोटा हो या बड़ा, लेकिन कैर से बड़ा ही है ये। ये मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने इसके लिए ली है, मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये इसकी पोनी है। मामा दिखाइए अपने हाथों में क्या छुपाया हुआ है। ये देख लो जी क्या छुपाया हुआ है, चलो निकाल के देखो क्या है। आराम आराम से जी, इसके लिए क्या चीज है रखो इस पे। ये इसकी एक टी शर्ट लेके आई हूँ,
आराम से, आराम से बैठे, आराम से गिर जाएंगे सारे। टी शर्ट? ये टी शर्ट नहीं है बेटे, ये फुल बाजू वाली है। ठहरो। और ये इसके जो पजामे लेके आई हूँ, और मुझे जरा बड़े लग रहे लेंथ में, तो थोड़े से शायद मुझे इसकी कटिंग करनी पड़े, क्योंकि माशाल्लाह ये हेल्दी है। इधर आ, इधर रखो। एक ये ब्लैक कलर का लाए हैं, और एक ये लेके आई हूँ पजामा इसका। यहाँ पे ना बाहर के ममालिकों में ये इस टाइप के पजामे जो है ना बहुत ज्यादा चलते हैं। और एक और ये भी पजामा इसका ही है, जिमनास्टिक के लिए है ये भी इसका। ये लेंथ थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कटिंग करनी पड़ेगी मुझे, तो वो फिर कोई नहीं, थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे, या इसकी फिर यहाँ से हम थोड़ी सी या इतनी जितनी भी इसकी कटिंग होगी इसका नाप लेके। तो जुगनू के ही पजामे थे, लेकिन वो जरा बाहर चला गया। और ये सबसे जो है ना महंगा वाला पजामा है, ये है तो जेंट्स है, लेकिन मरियम भी मांग रही थी, पर लेडीज भी बच्चे भी पहन ही लेते हैं यहाँ पे। वो ज़रा थोड़ा सा फिटिंग में बने होते हैं जो लड़कियों के होते हैं, लड़कों के थोड़े से खुले होते हैं। पर आजकल यहाँ पे फैशन ही ऐसा है कि लड़के भी जैसे चुस्त पजामे पहले हमारे चला करते थे, उस टाइप के पजामे चलने। और ये भी जुगनू का ही है, ये सबसे अच्छा स्टफ़ है और सबसे यानी कि महंगा पजामा ये वाला। ये मुझे भी बहुत पसंद आया। और ये हम जैसे पाकिस्तान में जैसे हमारे अब्बू वगैरह पजामे वगैरह नीचे पहनने के लिए, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है और काफ़ी गर्म है। मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा है। उसने खुद ही दिखाने थे, लेकिन वो ज़रा नीचे चला गया। और इसके यहाँ पे जो ये जो लगा हुआ स्टिकर सा ना, ये लाइटे टाइप सी हैं, ये अंधेरे में चमकती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा ये वाला पजामा लगा है, और इसी तरह के अब मैं स्टफ़ में इसको ला के दूंगी। ये ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी शर्ट, ये वाली, ये दिखाओ, ये मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लगी थी शर्ट। इसके पास और भी मसलन साथ जीन की पेंटें भी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हेल्दी है, तो वो फिर इसकी कमर पे पड़ जाते हैं निशान। तो इस तरह के इसको जो पजामे हैं ना जी, ये इसके लिए अच्छे हैं, ये इसको सही रहते हैं, और नरम नरम भी, बिल्कुल सॉफ्ट है। कभी आपके आती, कभी ऐसा होता है कि उसकी चीज़ मिल जाती तो इसकी नहीं मिलती। और ये भी इसको इसको कार्टूनों की वजह से ये मैंने लिया है, और वैसे भी अब आगे ठंडी है, मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फुल बाजू ही चाहिए। ये देखें जी, ये जुगनू ना अपने कपड़े तय लगा रहा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे साथ घर का काम भी करवाता है। ये देखें, लगा लोगे? ऐसे लगती हैं। इधर देखो, चलो लगाओ। ये लाया था जी, इसके लिए हम लाए थे छोटी सी चीज़, तो जो उस पर कैसा वीडियो बनाए मामा, मुझे बताना मेरे कपड़े कैसे हैं, मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। चल रखो, अगर ये इसके अच्छे निकले तो फिर इसको मैं और ला के दूंगी, इसमें और भी बहुत सारे कलर थे जी। इस पे कईयों पे जिबे लगी हुई थी, कई सादे भी थे, तो मैंने फिर जिब वाले, मेरे साथ और भी गए हुए थे तो कहते जिब वाले ज्यादा बेस्ट रहेंगे, तो आप जिब वाले ले लें, तो फिर मैंने इसलिए जिप वाले लिए थे। अगर ये ना भी इसको सही रहे तो फिर अगली दफा दूसरे ला दूंगी, मुझे तो अच्छे और अच्छा कपड़ा लगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएगा। मेरी मम्मा कई दफा बीमार होती हैं, तो फिर कई दफा मम्मा मेरी बहुत ही मेहनत करती है वीडियो पे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। मैं अंदर फोन ले आई थी कि ताकि मैं भी आपसे थोड़ी बातचीत कर लूं, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।